हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ने जा रहे हैं एज अ सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और यूनिट 4 का टॉपिक ले रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस इसलिए ऑर्गेनाइज की जा रही हैं क्योंकि आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं और आके नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपका लॉस ना हो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके, यहाँ पर हम टॉपिक ले रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या है? ये एक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा है इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस। मतलब यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल डेटा को स्टडी करते हैं ऑन द टाइम विच इट अकर्स। मतलब ये एक फोरकास्टिंग टेक्निक है जिसमें हम पुराने सालों के या पास्ट डेटा को कंसिडर करके या स्टडी या एनालिसिस करके हम फ्यूचर में होने वाले प्रेडिक्शन एस्टिमेशंस की बात करते हैं या फ्यूचर में होने वाले रिजल्ट्स का प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, अगर हम मैथमेटिकली इस चीज़ को देखें तो टाइम सीरीज को डिफाइन किया गया है यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का मतलब क्या है? वाई टर्म डिनोट्स स्टैटिस्टिकल डेटा एंड टी टर्म डिनोट्स टाइम फैक्टर। मतलब क्या? स्टैटिस्टिकल डेटा डिपेंड करता है कि उसे किस टाइम में टाइम के रेफरेंस में स्टडी किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशन दी हैं। यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने मेंशन की हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यहाँ पर हमें वही डेफिनेशन लेनी चाहिए जो हमें इजीली याद हो जाएं और हमें आसानी से समझ में आ जाएं। तो हमने यहाँ पर दो डेफिनेशन कवर की हैं जिसको आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट टर्म इज मीनिंग। टाइम सीरीज एनालिसिस एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई भी डिसीजन या कोई भी एनालिसिस ऐसे नहीं कह रहे थे कोई भी बात। यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हमें कोई भी प्रेडिक्शन करना है या फोरकास्टिंग करना है तो हम उसके लिए पहले पास्ट बिहेवियर की एनालिसिस या स्टडी करते हैं। पास्ट बिहेवियर की एनालिसिस या स्टडी करने का मतलब है कि हम पास्ट बिहेवियर में ट्रेंड को नोटिस करते हैं कि पास्ट में, जैसे मैं एग्जांपल ले रहे हैं कि कंपनी है वो पुराने सालों में या प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही है, किस तरीके का रिटर्न आ रहा है, हर साल उसकी सेल्स किस रेट से बढ़ रही है, तो उसको देख करके हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरीके का अगर पर्टिकुलर ट्रेंड रहा या कोई भी चेंजेस नहीं हुए तो हमें एस्टिमेशन है या प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट ईयर भी हमको इस तरीके का सेल्स मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टाइम सीरीज एनालिसिस की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है या हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या रेलेवेंस है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारे लिए समझना ईजी होगा। हाँ, सबसे पहले जैसे हम मान रहे हैं एक कंपनी है, एक बिजनेस पर्सन है, एक बिजनेस मैन है, वो अपनी कंपनी रन कर रहा है। तो कंपनी रन कर रहा है वो ये जानना चाहता है कि उसे फ्यूचर में क्या, मतलब सेल्स उसकी कम होने वाली हैं या बढ़ने वाली हैं या उसे क्या रिटर्न मिलने वाला है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ कर रहा है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस उसे कैसे हेल्प करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पर्सन अगर टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ करेगा तो वो उसके पुराने डेटा, दैट इज़ पास्ट ईयर्स के डेटा को स्टडी करेगा, उसके एनालिसिस करेगा और उसके बिहाफ पर ही वो बता सकता है कि पुराने सालों में वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच पा रहे थे या नहीं, या रिजल्ट उनके, मतलब उनका उनके सेल्स का ट्रेंड क्या था, जिसको स्टडी करके वो टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ करके वो उसको स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, उसने एनालिसिस क्यों की है? क्योंकि वो फोरकास्टिंग करना चाहता है या करवाना चाहता है। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना या फ्यूचर एस्टिमेशन करना कि हमें भविष्य में कितना प्रॉफिट या लॉस या हमें कितनी सेल्स हमारे प्रोडक्ट की होने वाली हैं। तो उसके लिए वो फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा है टाइम सीरीज एनालिसिस का, जिसमें हम यहाँ पर पहले पुराने डेटा को स्टडी करते हैं, उससे हम ट्रेंड एस्टिमेट करते हैं और उसी ट्रेंड के बिहाफ पर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरीके का रिटर्न आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो दो प्रोडक्ट बना रहा है। अब दो प्रोडक्ट बना रहा है, उसे लगता है कि हमें किस प्रोडक्ट पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है या कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, दोनों प्रोडक्ट की अलग अलग टाइम सीरीज एनालिसिस करवाएगा, दोनों के अलग अलग सेल्स को कंसिडर करेगा, प्रॉफिट मार्जिन को देखेगा, इन्वेस्टमेंट्स को देखेगा, जिसके बिना पर वो डिसाइड कर पाएगा कि उसे किस प्रोडक्ट पर ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट टर्म इज इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, हमने ये जो प्रेडिक्शंस कराए हैं
या पुराने डेटा को स्टडी किया है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। हमारी परफॉर्मेंस कैसी है मतलब कि हम अपनी जो कंपनी या बिजनेस चला रहे हैं उससे उसमें क्या रिटर्न आ रहा है, क्या हम ब्रेक इवन लेवल तक पहुंच पा रहे हैं। ब्रेक इवन लेवल का मतलब क्या है, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में क्या हमें वो पैसा रिटर्न के तरीके से मिल पा रहा है, क्या हम प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर पा रहे हैं, इसको जानने के लिए वो टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज करता है। नेक्स्ट इज टर्म इज एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल का मतलब क्या है, जैसे आपने टर्म पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल, मतलब क्या है, मार्केट में हमेशा जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आते हैं दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, रेकरिंग नेचर का होता है, पहले बूम आता है फिर इन्फ्लेशन, फिर यहाँ पर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन डिफ्लेशन, मतलब क्या है, हम ये पहले देख लेते हैं कि हम किस स्टेज पे काम कर रहे हैं, तो इसका एनालिसिस जो है वो टाइम सीरीज के आधार पर ही की जाती है या ट्रेड साइकिल को स्टडी किया था ऑन द रेलेवेंस कि हम किस टाइम लेवल पे या किस लेवल पे अभी चल रहे हैं, उसके आधार पर ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे रिटर्न बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट खत्म होता है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। नेक्स्ट टर्म इज कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स बताइए, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कवर होता है। बेसिकली तो स्टैटिस्टिक्स में मेजॉरिटी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर होता है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ज़्यादातर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसे कुछ टॉपिक्स लिए जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा, अगर इस चैप्टर से हम उठाएंगे तो 2 से 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम आपको इस क्लिप में या सीरीज में बता दे रहे हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेनली कवर किए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है सिक्योर ट्रेंड, सेकेंड इज सीजनल वेरिएशन, नेक्स्ट इज साइक्लिकल एंड फोर्थ लास्ट इज इरेगुलर वेरिएशन। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, सेक्युलर ट्रेंड का मतलब है जब हम कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज इन मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज देखते हैं जो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। लॉन्ग टर्म फैक्टर्स की वजह से आ रहा है मतलब लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेंज इन पॉपुलेशन। हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी टाइम सीरीज में या कोई भी हमारे कंट्री में जो भी रिटर्न है या जो भी ट्रेंड है वो एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी अचानक से चेंज हो गई है, डिमांड चेंज हो गई है, इसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट दिखता है उसे हम सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है किसी भी टाइम सीरीज में जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं ड्यू टू चेंज इन वेदर। जैसे क्या है, अब विंटर्स में हमारे पास डिमांड थी वुलन क्लोथ्स की, आज के टाइम में व्हेन इट इज सीजन ऑफ समर्स यहाँ पर हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब क्या है, जो फ्लक्चुएशंस सीजन्स की वजह से आते हैं या चेंज इन वेदर की वजह से आते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम होते हैं वो सीजनल वेरिएशन होते हैं, जिसको यहाँ पर कंपोनेंट में सेकेंड कंपोनेंट में हमें यहाँ कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट इज साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन मतलब जो वेरिएशन हमारे ट्रेड साइकिल के मूवमेंट की वजह से आते हैं। ट्रेड साइकिल के मूवमेंट मतलब जो रेकरेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ट्रेड साइकिल में, उसकी सिचुएशन के बाद या जैसे टाइम सीरीज में जो चेंजेस आते हैं उसे हम साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अगर बूम में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारा बिजनेस ही ऑल ओवर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर रिसेशन का टाइम चल रहा है, जैसे अभी COVID-19 है, सबको पता है कि सारा काम बंद हो गया है, अभी एक इमरजेंसी है, इंटरनेशनल इमरजेंसी है, सारा काम इम्पैक्टेड हो गया है, तो अब इस टाइम पे अगर हम ये सोचेंगे हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा तो दैट्स टोटली रॉन्ग। हमारा बिजनेस में भी रिसेशन आएगा ही आएगा, एवरीबडी हैज टू फेस इट, बट वी विल रिकवर इट एज सून एज पॉसिबल। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज इररेगुलर वेरिएशन। इररेगुलर वेरिएशन क्या है, इररेगुलर वेरिएशन का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएशन जिसके बारे में हम पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे ट्रेड साइकिल था, उसका पता था कि बूम के बाद इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन के बाद रिसेशन आएगा, लेकिन इररेगुलर वेरिएशन को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये शॉर्ट इन ड्यूरेशन होते हैं लेकिन इराटिक इन नेचर होते हैं। इराटिक इन नेचर मतलब जिससे कितना लॉस होगा हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इररेगुलर वेरिएशन की कुछ चीज़ें दिए गए, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, अर्थक्वेक, वॉर्स एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे वेरिएशन हैं जो जिसको कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं है और ना ही उसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइम सीरीज मॉडल। देखा जाए तो टाइम सीरीज मॉडल्स में 2 मॉडल्स हैं यहाँ पर, एडिटिव मॉडल एंड
मल्टीप्लिकेटिव मॉडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है थ्योरी में। हाँ, टाइम सीरीज मॉडल्स में पहला मॉडल है एडिटिव मॉडल, जिसको डिफाइन किया गया है y इज इक्वल टू t प्लस s प्लस c प्लस i। y डिनोट करता है ओरिजिनल डेटा को, t ट्रेंड वैल्यू को, s सीजनल वेरिएशंस को, i इरेगुलर फ्लक्चुएशन को, एंड c साइक्लिकल वेरिएशन। इस मॉडल में हम ये मानते हैं कि जो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज थे उन टोटल कंपोनेंट्स का उन जो चार कंपोनेंट्स अभी हमने इसके ऊपर पढ़े इसके पहले पढ़े हैं वो सारे कंपोनेंट्स का जो इम्पैक्ट आता है वो एक साथ टोटल अगर हम उसका समेशन करें तो वो ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये माना जाता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब ओरिजिनली या इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने का मतलब ये है कि एक डेटा दूसरे डेटा को इम्पैक्ट नहीं करता है। ओके, हाँ, अब अगर हम देखें तो इस मॉडल में एडिटिव मॉडल में यहाँ पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अकर करेंगे और वो जो भी चेंज आता है टाइम सीरीज में वो सारे वेरिएशंस का समेशन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या कहा गया है, y इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ये माना गया है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है या जो डेटा होता है that is multiplication of all the components in which only trend is expressed in unit of original data. मतलब क्या है, हम जो भी prediction करते हैं उसमें basically हम trend को ही cover करते हैं जो एक long term perspective होता है, and जो remaining components हैं s, c and i, that is seasonal variation, cyclical variation, fluctuation and irregular, ये हम सिर्फ proportions में करते हैं, consider करते हैं, क्योंकि ये short term fluctuations होते हैं। Next is it assumes the components although due to different causes are not necessarily independent but they can affect each other. Next is इसमें ये भी कहा गया है कि हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो भी ये factors हैं ये सब एक दूसरे पर dependent नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे को impact या affect कर सकते हैं। ठीक है, okay students, यहाँ तक आपका time series analysis का theory portion था जो आज की class में मैंने cover कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो थ्योरेटिकल पोर्शन ओनली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कवर किया जाता है, लॉन्ग आंसर में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है जिसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। हाँ, यहाँ पर जब हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल पोर्शन तो हमें ये टर्म्स बहुत अच्छे से आने चाहिए क्योंकि इसमें अगर हमें ये टर्म्स पहले से नहीं पढ़े हुए हैं तो हम कितना भी कोशिश कर लें हमें एग्जाम टाइम में रिमाइंड नहीं होगा और ना ही हम इसमें अपनी मर्जी से एक शब्द भी लिख पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इसको ध्यान से पढ़ लें और एग्जाम टाइम में इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो ओके, आप सब लोग को आई होप सो कि सब बहुत अच्छे से अपने घर पे सारे रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम बट मेक योर स्टडीज टू गो ऑन। आप अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा क्योंकि जैसे ही कॉलेज ये इमरजेंसी का टाइम ख़त्म होगा यू विल जस्ट बी गोइंग टू अपीयर इन योर एग्जाम। And goodbye to all of you. Now we will just meet in next class. जिसमें हम आपको इसके time series analysis का numerical portion explain करेंगे. Okay, bye everyone.